बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ये होता है, और लोग इसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए चुनाव के अन्य कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो सके, हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन किया तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्रबुद्ध जनों से हम आशीर्वाद लेते हैं। आपकी भूमिका समाज में ऐसे ही है जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की हुआ करती थी, वही आपकी भूमिका है, क्योंकि वहां भी उस समय का प्रबुद्ध जन था और ये महात्मा विदुर की धरती है। तो महात्मा विदुर की धरती पर आपका आशीर्वाद हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हो। बहनों भाइयों, जब मैं बिजनौर की बात देखता हूं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस जनपद के साथ जितना न्याय होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया, और इसीलिए आप याद करते होंगे पहले कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर आएगा तो उसकी छुट्टी तय है। मैंने कहा देखो मैं बिजनौर जाऊंगा जरूर, और मैं इसीलिए बिजनौर आया था। फिर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ रात्रि को नहीं रुकना चाहिए, मैंने कहा रात्रि को भी रुकूंगा, और मैं ही बिजनौर के गेस्ट हाउस में रुका था। रात्रि को मैंने विदुर कुटिया का भ्रमण भी किया था, और उस समय यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ मैंने एक संवाद बनाया था। लगभग 50 के आसपास प्रबुद्ध जन आए थे, उनके साथ मैंने एक संवाद बनाया था कि वे क्या कर रहे हैं। इसमें कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने प्रगतिशील किसान भी थे, शिक्षक भी थे, चिकित्सक भी थे, अधिवक्ता भी थे, व्यापारी भी थे, अलग अलग तबके के लोग थे। कितना पोटेंशियल है जनपद में, मैं देखकर हो चुका किस तथ्य को कभी भी सामने रखने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन हमारे स्तर पर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो प्रस्ताव लाते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि बिजनौर में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमने कहा एकदम मेडिकल कॉलेज वहां के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसका पक्ष हूं। इतना बड़ा जनपद मेडिकल कॉलेज नहीं, हम लोग आए और हमने आपकी विरासत के साथ जोड़ते हुए भारत की दिखे, क्योंकि बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी, और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है, देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए हमने कहा महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो चुका है। अब आप देखें मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ की सड़कों को, हाईवे, फोर लेन की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी, बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ हो रही है। यहां पर अन्य हरेक सेक्टर में यहां की ओडीओपी आज एक नई पहचान बना रही है, और उस पहचान को बनाए रखने के लिए ही आज हम सब एक बार फिर से आपके पास आए हैं। याद रखना, हम प्रबुद्ध जनों की कुछ कमियां होती हैं जो चंदन चौहान ने भी कही अपनी भाषण में कि हम लोग बड़ी बड़ी बहस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ऐन वक्त पर हम लोग आपसी हो जाते हैं, वोट डालने नहीं जाएंगे, लोगों को बताएंगे लेकिन स्वयं पीछे हटेंगे, और आपका तो पहले ही चरण में मतदान होना है, इसलिए पहले स्वयं मतदान करना और औरों को भी मतदान करने के लिए तैयार करना, ये जरूर करना चाहिए। दूसरा, अपने वोट की कीमत को पहचानना और लोगों को उसके लिए तैयार करना। याद करिए आपका वोट
अन्य लोगों के साथ में जाता था। तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मुमताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा बुद्ध मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हरेक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है यह आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है, गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो वह देश को एक नई ऊंचाई को लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी किस रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। और जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए तो भारत रत्न का सम्मान चौधरी साहब को भी लेकर के चौधरी साहब के माध्यम से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है, क्योंकि चौधरी साहब का सम्मान उत्तर प्रदेश से था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी अनमोल्य सेवाएं दी। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान देकर के न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, किसानों को, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके प्रति आभारी हैं। मैं तो कह रहा था कि एक वोट प्रदेश को और देश को अराजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देता है। क्या हालत थी 2014 के पहले देश की, कहां जा रहा था देश? अविश्वास, देश की सीमाएं असुरक्षित थी, दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी, भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई थी, विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए, व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी कौन नहीं जानता इन बातों में, लेकिन गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व दिया था तो उस समय दुर्गति हो रही। 2014 का भारत, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई,
हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया था और पहली बार 1952 के बाद पहली बार कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण भी थी और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी के माध्यम से उन्हें चोटिल करने का काम भी करती थी। एक झटके में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई, आतंकवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान एक निशान का भाव जिस प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू हुआ है आज हम सबके सामने है। आराम से बैठो भैया, कोई बात नहीं। अरे अच्छा है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुर्सी चुनाव लड़ते समय कुर्सी पूरी होती तो बहुत बड़ी बात करते, लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में आस्था का सम्मान हो गया, गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी लगती है। अन्नदाता किसानों का सम्मान ऋण माफी से लेकर के कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय, पहले बिचौलिए लेते थे किसान देखता रह जाता था, आज एमएसपी से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है और हम भी इस बात को कहते हैं हाँ, जहां किसान को लाभ हो किसान को अपनी फसल बचनी चाहिए, यानी सही दिशा में सरकार चलती है, एक वोट देश के विकास को उद्यमी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा से बढ़ाती भी है और वोट सही हाथों में जाता है देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करने का देता है और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए आपने कमोबेश दोनों सभी लोगों को देखा है, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर शासन करते हुए देखा है और कांग्रेस ने तो लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, आपने सबके कार्यकाल को देखा है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मौका दीजिए, आज तो आपके पास एक अवसर है कहने के लिए कि भाई सबको अवसर मिला और सबसे अच्छा कार्यकाल मोदी जी का, आपको देखो कितना काम मोदी का, मोदी की गारंटी आज देश के अंदर छा रही है, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसान को, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और अकेले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक शौचालय की सौगात, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाखों हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करा करके सरकार की सहायता के साथ जोड़ना, यानी मोदी की गारंटी देश के अंदर
बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक के जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, समृद्धि की गारंटी है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, कि मोदी जी के लिए देश प्रथम है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। 140 करोड़ लोगों के एक करना, कार्य करना, और उस कार्य के तहत आज हम सब जुड़ करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के नाम सबसे दिन करने के लिए कि यह बात समाज को बताने की आवश्यकता है, प्रदेश हो या देश, लोग वही थे, देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है, आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे, और काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में अब तक 2 करोड़ लोगों ने पिछले 2 महीनों के अंदर दर्शन कर लिया। उत्तर प्रदेश में पहले लोग नहीं आना चाहते थे, आज पूरा देश आने के लिए आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन अयोध्या में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने। ऐसे ही काशी में भी इतने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अनुमान करिए, जहां पहले कोई नाम सुन के डरता, आज लाखों की संख्या में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुरक्षित माहौल में वापस जा रहे हैं। व्यापारी का व्यापार फल फूल रहा है, पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा। और इसी में मोदी जी ने भी संकल्प किया है, विकसित भारत। मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना, उस संकल्पना के साथ हर भारतवासी को जोड़ना। विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक जैसी सरकार होगी। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर भी चाहिए, और विकसित बिजनौर के लिए चंदन चौहान के और ओम कुमार का भी विजय होना आवश्यक है। तभी बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बढ़ेगी, उद्योग फलेंगे फूलेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार का सृजन होगा, नए संस्थान बनेंगे, और यहाँ की पुरातन पहचान को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। और आज इसी के आह्वान के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। अभी परसों 31 को प्रधानमंत्री जी मेरठ में आ रहे हैं, बिजनौर में भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, हमारे प्रत्याशी गण भी वहाँ पहुँचेंगे, एनडीए की सभा का शुभारंभ करेंगे, और फिर हम लोग भी बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं के लिए जनपद में भी आएंगे, आपके बीच में आएंगे। आपसे भी मैं अपील करूंगा, आपके स्तर पर यह माहौल अभी से बनना प्रारंभ हो, और जो देश की आवाज आज बन चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार पूरे देश के अंदर की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए, वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।